दो मर्डर के बाद बिहिया थाना क्षेत्र में दहशत का माहौल। ई बिहार हा बबुआ एहिजा सर उठैला त गैला। बिहार में चाचा भतीजा की सरकार में हवा भी बदलने लगी है। कहीं पुलिस टीम पर शराब माफियाओं के हमले होते हैं तो कहीं बालू माफियाओं के, कहीं पुलिस के कैद में अपराधियों को छुड़ाकर अपराधी फरार हो जाते हैं। इधर राज्य के मुखिया नीतीश कुमार कह रहे हैं कि राज्य में जंगल राज नहीं जनता का राज है, लेकिन सामने आ रहे मामलों को देखते हुए लोग कुछ और ही कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हो गया है। बात करें बिहार के भोजपुर जिले की तो बिहिया थाना क्षेत्र में दो मर्डर मामलों ने सबको दहशत में डाल दिया है। भाजपा के युवा नेता राकेश विश्वेश्वर ओझा ने सरकार के शीशे पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार में राजद की भागीदारी के साथ ही अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, लगता है कि प्रदेश में कानून का राज न होकर जंगल राज का कानून लागू हो गया है। पहला मामला भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के निरनपुर गांव के पास एक शमशान घाट से 15 वर्षीय किशोर का शव गुरुवार 8 जून की शाम पुलिस ने बरामद किया। किशोर का नाम रियाज अहमद है, जो कटिया गांव के रहने वाला राज अहमद का पुत्र था। वो बुधवार की शाम से ही गायब था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव उठाकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल लाया। किशोर 10वीं का छात्र था। बुधवार की शाम वो अपने घर से निकला था, लेकिन सुबह तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी बीच मवेशी चरा रहे कुछ लड़कों ने पुलिस को बताया कि निरनपुर गांव के समीप शमशान घाट में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना के बाद परिजन जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो रियाज ही है। और ये दूसरा मामला है भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के बिहिया राजा बाजार स्थित हाई स्कूल के समीप शनिवार की देर रात का। बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एक बेकरी दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। दुकानदार को गोली सीने के बीचों बीच मारी गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर गांव एवं आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। रात के अंधेरे से लेकर तीन के उजाले तक देखिए, कुछ घटनाएं जो होती हैं उसका तुरंत उद्भेदन देता है। ये भी घटना एक जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रात को 11:05 बजे के आसपास इनके पिताजी को करना है कि कोई केक लेने के लिए आता है और जैसे रात में खुलवाता है और खोलते हैं तो उनके पिताजी का कहना है कि संभवतः केक लेने को या विवाद हुआ या कोई और बात हुई है। उसके बाद वो गोली मार दिया है और भागा है। एक व्यक्ति को उन्होंने हल्का फुल्का होलिया हमें बताया है और लोग रात्र कुछ CCTV यहाँ खंगालने की कोशिश किए हैं। कुछ और चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इसमें से, तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन ऐसा क्या किया है और इस घटना के पीछे कारण क्या है। क्योंकि इन्होंने बताया कि ऐसा हमारा किसी से दुश्मनी तो नहीं था, लेकिन घटना का जो भी कारण है उसका हम लोग जल्दी से इसका पता करके जो है हमारी दो टीम जो है गठित हुई है उसका जल्द से जल्द हम इस घटना को उद्भेदन करते हुए अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और जो भी होगा उसका कुर्की जबकि जो भी जितना ज़्यादा सख्त सख्त कार्रवाई होगी उसको करेंगे। सर बिहिया में लगे हुए CCTV कैमरे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि आपके द्वारा ही साइबर सेल का उद्घाटन भी किया गया सब कुछ। देखिए, CCTV कैमरा हमारे अधिकार में नहीं आता है, ये दूसरे के अधिकार की चीज़ें हैं। और हम लोग आरा शहर में लगभग जो है 150 कैमरे लगवाएं, 150 अभी और लगवाने के लिए नगर निगम और जो भी माइनिंग फंड है उसकी मदद जिला पदाधिकारी की मदद सहयोग से करवा रहे हैं। और हम लोग यहाँ भी प्लान कर भी रहे थे और कि यहाँ पे और जगदीशपुर में भी हम लोगों के सहयोग और नगर निगम और नगर निकाय के सहयोग से जो है कैमरे लगवाएंगे तो उसको हम लोग जल्दी से इसका करवाना सुनिश्चित करें। सर 50 मीटर की दूरी पे केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम है आज, वहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे हत्या हुई है। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण देखा जाता तो हत्या नहीं हो पाती। ठीक है। अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, हम लोग पूरा सुरक्षा देने के लिए तत्पर हैं और जो भी होगा इसका कार्रवाई की जाएगी। ठीक। एक एक दुकानदार की हत्या कर दी गई, आप धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो अपराधी का ग्राफ बढ़ा हुआ है बिहार में? हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, जब से राजद बिहार की सत्ता में काबिज हुई है नीतीश कुमार के साथ, तब से पता नहीं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। उनका मनोबल सातवें आसमान पर है। ये सिर्फ आरा और बक्सर की बात नहीं है, पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। छोटी छोटी बातों पर लेकर लोगों को गोली मार दिया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व में ही एक निमेश के हमारे छोटे भाई थे राहुल, उनको पटना में मोबाइल छिनतई की जा रही थी, उसका उन्होंने विरोध किया, उसके लिए उनको गोली मार दी गई। आज वो UPSC एस्पिरेंट थे, देश के भविष्य हो सकते थे, कल दुकान में घुस के गोली मार दी गई है। उनके पिता ने उस हत्यारे को पीछा भी किया है, लेकिन वो लोग उनको धोखा देकर बाइक पर सवार जो अपराधी थे स्कूल पर उसके साथ भागने में सफल हो गए। और सबसे बड़ा दुखद होता है कि ऐसी घटनाओं के बाद से जब परिवार के सदस्य पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से संपर्क करते हैं, उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। रात के 11 बजे ही भोजपुर SP को इस बात की सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अगर समय रहते फ़ोन उठाए रहते, अब तक तो अपराधी 12 घंटा में कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
हमारी बस पुलिस प्रशासन से मांग है, बिहिया यहाँ का प्रतिष्ठित व्यवसायिक मंडी रहा है तो यहाँ के व्यवसायियों का सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर पुलिस प्रशासन से नहीं संभल रहा है तो क्या प्रशासन चाहती है कि व्यवसायी व्यवसाय के साथ साथ अपने दुकान में लाठी डंडे और हथियार का भी रखना शुरू कर दे जिससे वो अपनी रक्षा कर सके? मेरी मांग बस पुलिस प्रशासन से यही है कि कम से कम व्यवसायियों को तो सुरक्षा दीजिए। व्यवसायियों का देश के उन्नति और विकास में काफ़ी हद तक बड़ा योगदान रहता है, अगर हम उनको ही सुरक्षा नहीं देंगे तो देश के आने वाले भविष्य को क्या हम सुरक्षा दे सकते? कल रात में आपके भाई की हत्या कर दी गई, आप लोग रोड पे जब बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांग यही है कि जो मारा है उसको पकड़ा जाए और मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारे मेरे परिवार में वही एक कमाने वाला था और कोई नहीं था। अब वो चला गया, उसकी बीवी है, उसकी छोटी एक बेटी है, हमको गोल मटोल करके कुछ कहने नहीं आता है, बस सीधा साफ बात है। जो ये प्रशासन है जो नाकाम हुआ है उसको उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, बस बाकी और क्या किसी से दुश्मनी है। कैसे हत्या की गई आपके भाई की? अभी तो मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ आई तो बताया गया है कि कोई केक मांगने के बहाने आया, और सबको पता है कि वो केक किसी कस्टमर को असंतुष्ट नहीं भेजता है। 11 बजे रात को आया और घर के अंदर जाके और गोली मारा है उसके सीने में, और वो केक का डब्बा भी वहीं गिरा हुआ है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए, और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।